हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, इनफैक्ट खत्म भी करा दिया था। उसके बाद हमने एक सेशन लगाया था जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। आज फिर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लगा रहे हैं। इसमें हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रीड द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ मीन्स आर टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर सेकंड, द फॉलोइंग प्लानिंग प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड इन 1951 इन इंडिया। नंबर थर्ड, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम RCH। नंबर फोर, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज द डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, बताएंगे। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताएंगे। इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, या सारे ही सही है, बताएंगे। तो बच्चों ये सारे ही सही हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे आपको पता चला होगा कि सारे ही सही हैं, बिल्कुल सही बातें कही हुई हैं सब में। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग। अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस। दूसरा है, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI लखनऊ इन इंडिया। नंबर थर्ड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड टू अबाउट 6 बिलियन इन 2000। नेक्स्ट है, अवर पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। सही कॉम्बिनेशन बताएंगे। सही कॉम्बिनेशन बताना है। सही कॉम्बिनेशन बताएंगे या फिर सारे ही सही हैं। तो बच्चों सारे ही सही हैं, ऑल आर करेक्ट। रीड द फॉलोइंग। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR आर सर्टेन रीजंस फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। ये है MMR, ठीक है, ये IMR यानी कि इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टिल अराउंड 17%। नंबर थर्ड है, स्टेशनरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 14 ईयर्स एंड देन ऑफ मेल्स मेल्स टू 19 ईयर्स। सही कॉम्बिनेशन बताना है, सही कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो
बच्चों ये तो गलती है, 14 ईयर्स फीमेल्स की और 19 ईयर्स मेल्स की, ये तो गलती है, बट ये सही है और ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, कॉइटस इंटरप्शन इज वन मेथड टू अवॉइड इंसेमिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 16 मंथ्स फॉलोइंग पार्टोरेशन, कॉन्डोम्स आर बैरियर्स विच प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। सही कॉम्बिनेशन बताना है, सही कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो बच्चों इसमें से सही कॉम्बिनेशन ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, बट ये गलत है, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, सेकंड वॉल्ट सर्विकल कैप्स डायफ्राम्स आर बैरियर्स, नंबर थ्री स्पर्मिसिडल क्रीम्स जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर अर्ली कॉन्सेप्शन, नंबर फाइव फोर बैरियर्स आर यूजेबल रीयूजेबल एंड मेड ऑफ रबर। सही आंसर बताएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये भी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, आईयूडीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूट्रस थ्रू वेलोपियन ट्यूब, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज रिलीज कॉपर आयन्स टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, नंबर थ्री हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नंबर फोर आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वॉन्ट्स टू डिले इम्प्लांटेशन। सही आंसर बताएं। ये गलत है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं होता, और ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि एक्सेप्ट वन इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन इंसुलिन कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, पिल्स ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। सही आंसर बताएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे।
तो ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये सही है और ये भी सही है, यानी कि थर्ड और फोर्थ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, सहेली इज द न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेनिंग अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। नंबर सेकंड, सहेली इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। नंबर थ्री, प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। सही आंसर बताएंगे इसका, सही कॉम्बिनेशन बताना है। सही कॉम्बिनेशन बताना है या फिर सारे ही सही हैं बताएंगे। तो बच्चों सारी ही बातें सही लग रही है इसकी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी आर द सर्जिकल मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंट्स द कॉन्सेप्शन। बताएंगे सही आंसर, सही से पढ़ेंगे और सही आंसर देंगे। तो बच्चों ये सारे ही सही है, सारे ही सही लग रहे थे पढ़ने में, है ना। रीड द फॉलोइंग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी इज एन इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नंबर टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑफ टू अवॉइड इट्स मिसयूज। एमटीपीज आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कॉन्टिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। नंबर फोर, एमटीपीज आर इसेंशियल इन सम केसेस वेयर प्रेगनेंसी इज फेटल आइदर टू मदर और टू फीटर फीटस। सही कॉम्बिनेशन बताएंगे इसका, बच्चों ये सारे ही सही है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट। रीड द फॉलोइंग, नंबर वन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर आल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस। नंबर टू, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इंफेक्शंस द अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैन बी क्यूरेबल इफ डिटेक्टिव इन अर्ली स्टेजेस। एसटीडीज आर मेजर थ्रेट टू अ हेल्थी सोसाइटी। सही कॉम्बिनेशन बताएंगे इसका, जो थ्रेड तो नहीं है ना सोसाइटी के लिए। ये और ये फर्स्ट और सेकंड सही है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग, नंबर वन, आईवीएफ
इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी. नंबर सेकंड, ईटी इज अ पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. नंबर थ्री, जिप्ट इज ट्रांसफरिंग द जायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब. आईयूटी इज द ट्रांसफरिंग ऑफ द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्ड इनटू द यूट्रस. सही कॉम्बिनेशन बताना है. इनके फुल फॉर्म भी आपको आनी जरूरी है. अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे, और इनके बारे में पता होना तो और भी ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो पूरा पता होगा तभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे ना. तो बच्चों सारे ही सही है ये, तो ऑल आर करेक्ट. रीड द फॉलोइंग. गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनोदर फीमेल. आईसीएसआई इज डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम इन लेबोरेटरी. ऑल कलेक्टिंग सीमन आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू वजाइना और यूट्रस. आईयूआई इन एआई सीमन इज इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस ऑफ द फीमेल. सही कॉम्बिनेशन बताना है, सही आंसर बताना. तो ये बच्चों सारे ही सही है. ठीक है, सारे ही सही है, तो ऑल आर ट्रू. मैच द फॉलोइंग करेंगे, देखो और मैच करो जल्दी. तो बच्चों एमनिसन जैसे किस लिए यूज होता है? डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स के लिए. और सहेली सीडीआरआई ने डेवलप करी थी. और 2 बिलियन पॉपुलेशन ईयर 1919 में थी. और मेल्स की जो एज होती है मैरिजेबल एज वो होती है 21, और फीमेल्स की होती है 18. तो ए का 4, बी का एक का होगा 5th, ए का 5th, बी का 4, सी का 2nd. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. मैच द फॉलोइंग करेंगे. लैक्टेशन अमेनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और बैरियर होता है वॉल्स, और आईयूडी होता है मल्टी रोड 375. सहेली क्या है? पिल है. ठीक है, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. फिर से मैच द फॉलोइंग करेंगे.
रहते हैं, मैच द फॉलोइंग थोड़े सही होते हैं, इजी रहते हैं, क्योंकि अगर आपको एक या दो पता है तो आप तुक्का भी बिड़ा सकते हो। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी होगी? लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर सेवन, हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडी, LNG20, सर्वाइकल कैप होता है रबर का बना हुआ। ठीक है, तो ए का फोर, बी का थर्ड, ये वाला इस वन इज द करेक्ट आंसर। मैं इसका फॉलोइंग करेंगे फिर से। बोर नहीं होना है बच्चों, अगर बोर हो जाओगे तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रहना है, मुझे पता है बोर या छारी होगी तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, सारे सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मैंने तुम्हें क्या बताया था कि लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल। ठीक है, वासेक्टोमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और प्रोजेस्टोजेंस इनहिबिट ओवुलेशन, MTP इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, ए का फोर, बी का वन, ये वाला। ठीक है, करो मैं इसका फॉलो। तो गोनोरिया होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज, और हेपेटाइटिस बी शेरी निडल से होता है, और MTP सेफ टू 12 वीक्स, STDs मेजर थ्रेट। सही है, एक का ये वाला। करो, अच्छा पहले वाले में टाइमर नहीं दिया, कोई बात नहीं। IVF होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ET होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ZIP होता है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमर्स, IUT होता है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये वाला करेक्ट आंसर। मैं इसका फॉलोइंग करेंगे। तो ज़िफ्ट होता है ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल,
एआई होता है, ह्यूमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना, आईसीएसआई होता है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू वोवम, आईयूआई होता है, सीमन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूट्रस, यानी कि ए का थर्ड, बी का फोर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, आरसीएच क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रीजन है, आरसीएच इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। सही आंसर बताएंगे इससे। तो बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, ठीक है? तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, अ फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट इज कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस। रीजन है, एमनियोसिंथेसिस इज डन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। असर्शन है, सहेली वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सीडीआरआई। रीजन है, सहेली इज न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल। सही आंसर बताएंगे इसका। तो ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, अवर पॉपुलेशन वॉज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड क्रॉस 1 बिलियन इन मई 2000। रीजन है, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और प्रोबेबल रीजन फॉर दिस बताना है, बताओ। सही आंसर बताएंगे इसका। सिंपल है, कितनी बार करा दिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसके करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। रीजन है, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6th मंथ। सही आंसर बताएंगे इसका।
बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये इसके करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, डायफ्राम इज अ बैरियर मेथड, रीजन है बैरियर प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। सही आंसर बताएंगे इसका। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन भी कर रहा है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, कॉपर टी यानी कि कॉपर रिलीजिंग आयोडी रिलीजेस कॉपर आयंस, रीजन है कॉपर आयंस सप्रेसेस स्पर्म मोर्टिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। सही आंसर बताएंगे इसका। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसके करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी आर हाईली इफेक्टिव सर्जिकल मेथड्स, रीजन है द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दीज अबोव मेथड इज वेरी प्योर। सही बताएंगे, सही आंसर बताएंगे। अच्छा ये असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको लगता है कि असर्शन सही है, रीजन इसका भी सही है, बट ऐसा होता नहीं है, अधिकतर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दिमाग लगा के बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये इसके गलत एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एमटीपी इज एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन, रीजन है एमटीपीज आर एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू मदर। सही आंसर बताएंगे इसका। ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, रीजन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज डन टू असिस्ट दो फीमेल्स हु कांट कंसीव। सही आंसर बताएंगे इसका। बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। असर्शन है, इन इंडिया वी हैव मैनी ऑफेंडेड एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन, रीजन है अवर लॉ परमिट्स लीगल अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन विच इज द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो ये आंसर बताएंगे इसका।
बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, करेक्ट पेयर बताना है, बताएंगे, पढ़ो और बताओ, करेक्ट पेयर बताएंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, और ये इनके कारण दिए हुए हैं और ये इनके फंक्शन दिए हुए हैं, बताएंगे सही। ठीक है, कॉन्डोम क्या है? निरोध, एक ब्रांड आता है, ये पॉपुलर ब्रांड है मेल्स के लिए। सहेली क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। ठीक है, डायफ्राम है बैरियर यूज्ड फॉर फीमेल, फीमेल्स में यूज हो, सही है। वॉल्ट्स क्या है? बैरियर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है, तो सारे ही सही है। करेक्ट पेयर बताएंगे, नॉन मेडिकेटेड आईओडी होती है कौन सी? लिपेज लूप, इफेक्टिव मेथड है फीमेल्स के लिए, सही है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी होती है कॉपर सेवन, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही है। हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी प्रोजेस्टेरोन अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही है। आईओडीज होती है इंक्रीज फैगोसाइट ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल्स को खा जाती है, यूट्रस में होती है फीमेल्स की, तो ये भी सही है, तो सारे ही सही है। करेक्ट पेयर बताएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चों, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं हर तरीके से आपको प्रिपेयर करा जाएगा। ठीक है, टिबेक्टोमी क्या है? स्टरलाइजेशन मेथड और रिमूवल पार्ट ऑफ जेनिटल, बिल्कुल गलत है। ठीक है, वैसेक्टोमी क्या है? स्टरलाइजेशन मेथड रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, बिल्कुल सही है। एमटीवी क्या है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल सही है। आरटीआई क्या है? ट्राइकोमोनेसिस सेक्युलर ट्रांसमिशन डिजीज है, बिल्कुल सही है। तो ऑल एक्सेप्ट वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट पेयर बताएंगे, आईयूएफ क्या है? फर्टिलाइजेशन विद इन फीमेल गैमेट्स कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ एंड हस्बैंड, बिल्कुल सही है। आईयूआई क्या है? सीमन ऑफ हस्बैंड आ हेल्दी डोनर सीमन इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस, बिल्कुल सही है। जिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर एंड इंट्रोड्यूस इनटू अनदर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस वन, सही है बिल्कुल। आईसीएसआई क्या है? स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ही सही हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, बताएंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का कौन सा मेथड है, कौन सा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है? आईयूडी बतानी है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन।
पूछो, LNG20 क्या है? इंट्रायूटराइन डिवाइस है। आई होप कि इस सेशन ने आपकी बहुत मदद करी होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ऐसे ही और बहुत सारे सेशंस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, लोगों से बता सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं मुफ्त डॉट शिक्षा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।